सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाने पर रखते हैं, खासकर उनके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। एक बार फिर इमरान मसूद ने देश के किसानों को बर्बाद करने का आरोप दोनों नेताओं पर लगा दिया। देखिए किस तरीके से इमरान ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाए। आदाब दोस्तों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही, चूंकि हमारी आवाज़ को उठाने का एक ही माध्यम रह गया है, मैं सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करने का काम कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को आश्वस्त किया था कि किसान की आय को दुगना करने का काम करेंगे। मोदी जी, हमारी आय उतनी कर दीजिए जितनी पहले थी। 2013 के अंदर DAP 600 रुपए में मिलता था, आज DAP 1400 में है। 2013 के अंदर बासमती का रेट 4500 रुपए क्रॉस कर रहा था, आज उसकी स्थिति यह है कि 1800 रुपए के ऊपर भी खरीदार नहीं है। 1500 रुपए जड़ाई की किसान से मजदूर लेने का काम कर रहा है, लागत मूल्य निकल नहीं पा रहा है और किसान बदहाल है। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। प्रदेश में अब तक धान खरीद के लिए सेंटर के खुले नहीं हैं। हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। गन्ना किसान पिछले बुकाए के लिए अपने रो रहा है, अगला खरीद का सेंटर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 180 रुपये क्विंटल गन्ना कोल्लू के ऊपर, जो क्रेशरों के ऊपर है, वो बिकने का काम कर रहा है। इस स्थिति के अंदर आज सबसे ज़्यादा बदहाल और परेशान देश का किसान है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को अगर अपने इधर उधर के एजेंडों से फुर्सत हो तो देश के किसान की तरफ भी ध्यान दें और देश के किसान का भी हाल देखें। सहारनपुर जनपद के अंदर बुखार से सैकड़ों मौतें हो चुकी। कोई गांव ऐसा है जहां एक एक गांव के अंदर 30-30 से ज़्यादा मौत है और ये एक महामारी का रूप सहारनपुर के अंदर ले रहा है। लेकिन अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि इतने भारी मौतें होने के बाद भी कोई डेंगू है, या मैं नहीं कहता हूँ कि कौन सी बीमारी है, लेकिन बुखार से लोगों की मौत हो रही है, मुझे इतना पता है। और मैं मौके पर जाकर सत्यापित करा दूंगा कि कई गांव ऐसे हैं जहां 30-30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोई हुई सरकार को जागना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि देश ने इसलिए आपको चुना था कि देश के लोगों का भला करेंगे, ना कि देश के लोगों के साथ ये अन्याय और ये अत्याचार करेंगे जो आपकी सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बीजीटी न्यूज़ को।